तो यार आजकल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़े दो ही हैं, एक तो यूट्यूब और एक ट्विच। ट्विच इतना नहीं चलता, लेकिन यूट्यूब बहुत चलता है इंडिया में, और जितने स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसमें से 99% यूट्यूब पे ही स्ट्रीम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पहले से ही आपके फोन में डाला हुआ आ रहा है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। प्लस जैसे ही आप गूगल अकाउंट डालते हो सारे रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाते हैं, जो भी आप सर्च करते हो उसके हिसाब से सारे रिकमेंडेशन आने लग जाते हैं, तो फिर YouTube सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। लेकिन YouTube के अलावा भी बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे लोग गेम स्ट्रीम करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाया करके YouTube पे स्ट्रीम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में ही एक प्लेटफॉर्म है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है मोबीजन, जो कि आपके स्क्रीन को रिकॉर्ड भी करती है और एट द सेम टाइम YouTube पे स्ट्रीम भी करती है। तो वो क्या हो गया, वो एक बीच का मीडियम हो गया। ऐसे ही एक ऐप है नीमो टीवी नाम से, वो भी स्ट्रीम करती है लेकिन यूट्यूब या ट्विच पे नहीं, वो खुद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर किसी को नीमो टीवी की स्ट्रीम देखनी है तो उसको नीमो टीवी वाली ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके अंदर जाके उसको स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप यूट्यूब पे स्ट्रीम करोगे तो अर्निंग के बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे कि ये हो गया एडवर्टाइजिंग, सुपर चैट, स्पॉन्सरशिप और भी बहुत कुछ। लेकिन सिर्फ YouTube ही ऐसा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे आप पैसे कमा सकते हो स्ट्रीम करके। अगर हम बात करें नीमो टीवी की तो उस पे भी आप पैसा कमा सकते हो, और मेरे ख्याल से नीमो टीवी पे पैसे कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। नीमो टीवी का अगर आप एक चार्ट देखोगे तो उसमें ऐसा है कि यार आपको कम से कम 20 दिनों तक स्ट्रीम करना पड़ेगा, और उन 20 दिनों के अंदर आपकी कम से कम 60 घंटे की स्ट्रीम होनी चाहिए और आपके करीब 600 सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो आपको $50 मिलेंगे। $50 का मतलब हो गया करीब 3.5-4 हजार रुपए। तो मेरे ख्याल से ये ठीक है, और जैसे जैसे आपका ये ग्राफ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप $1,000 तक भी कमा सकते हो। तो नीमो टीवी का जो पे स्केल है वो काफी सही है, लेकिन नीमो टीवी की दिक्कत एक ये है यार कि लोगों को नीमो टीवी तक खींच के लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब मान लो कि अगर कोई स्ट्रीमर है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, तो उस 1 मिलियन में से उसकी स्ट्रीम देखते हैं, अगर वो लाइव होता है तो एट अ गिवन टाइम देखते हैं करीब 10-12 हजार बंदे, है ना, चलो 20 हजार भी है। अब जब 20 हजार बंदे यूट्यूब पे देखते हैं जो कि इतना एक्सेसिबल है, तो अगर उनको उसे नीमो टीवी या नियो टीवी पे लेके आना होगा तो उनको अलग से एक ऐप डाउनलोड करवानी पड़ेगी, प्लस उनके चैनल पे जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, जो कि इतना कन्वीनियंट नहीं है। और जो नीमो टीवी और रियो टीवी का यूआई है वो YouTube से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक लर्निंग कर्व है उसमें, तो बहुत सारे लोग नीमो टीवी और रियो टीवी पर स्ट्रीमिंग नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि यार अब मैं स्ट्रीम कर ही रहा हूं तो दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम कर लेता हूँ, गेम तो यही चल रहा है, दो जगह स्ट्रीम होगा तो दो जगह से पैसा आ सकते हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक और कारण है जिसकी वजह से लोग नीमो टीवी या रियो टीवी पे स्ट्रीम करते हैं, वो ये है कि यार जो ये है नीमो टीवी और रियो टीवी, इनमें ऐसा है कि भाई इनपे फोन से स्ट्रीम करना बहुत आसान है। वहीं पे अगर आपको YouTube पे स्ट्रीम करना हो ना अपने फोन से, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे महंगे ऑप्शंस भी है जैसे एलगाटो वगैरह, लेकिन जैसे कि मैंने बताया सस्ता ऑप्शंस भी है जैसे कि मोबीजन वगैरह। तो मोबीजन में रिलायबिलिटी नहीं है, हाँ वो आपको 1080p या 60fps तक दे सकता है, लेकिन बहुत बार उसमें डिसकनेक्टिंग इश्यूज आते हैं और डीले आता है, और आपको इनपुट लैग भी देखने को मिल सकता है अपने फोन में अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं है। तो वहां पे नीमो टीवी और रियो टीवी जैसे ऐप्स बहुत बहुत बढ़िया चीज है भाई, क्योंकि इनमें पहली बात तो ये गेम की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करते, बहुत मिनिमम लेवल पे अफेक्ट करते हैं। प्लस अगर आपके पास एक लिमिटेड डेटा कनेक्शन है तो भी आप नीमो टीवी और रियो टीवी पे स्ट्रीम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब ये जो प्लेटफॉर्म है इनमें एक दिक्कत ये है कि यार अगर आपका यूट्यूब पे कोई बड़ा फैन बेस नहीं है तो फिर लोगों को डायरेक्टली इस पे लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो इस पे स्ट्रीम करते हैं वो वही लोग हैं जिनका यूट्यूब पे बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, 1 लाख सब्सक्राइबर है, उसमें से एक मान लो 5-6 हजार लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, तो उन 5-6 हजार में से 500-600 रियो टीवी या नियो टीवी पे आ जाएंगे, नीमो टीवी। तो अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो स्ट्रीमिंग, आपने अभी तक कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला, आप सोच रहे हो सीधे यार मैं नीमो टीवी पे डालता हूँ, तो वहां पे सब्सक्राइबर बेस बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है।